सबसे पहले तो एक आप लोगों को इसमें वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी कार्ड में जो है इसके तमाम तर जो सर्विस सेंटर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम प्रोविंसेस में, जिसमें के पंजाब है, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान, उसके ऊपर तमाम तर मेंशन है फ्रोनस पीवी 7000 का। उसके हवाले से इसका डिज़ाइन टोटली चेंज है। इसमें एक चीज़ जो इसमें जो चेंज की गई है, जो कि पहले जो मॉडल आ रहा था उसमें नहीं थी, वो ये है कि इसमें ड्यूल आउटपुट लोड का ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो कंपनी ने क्या किया कि इसके अंदर आपको ड्यूल आउटपुट का फंक्शन दे दिया गया, ताकि अगर आपका जो हैवी लोड है रात को अगर लाइट जाती है तो सिर्फ वही बंद होगा, बाकी जो यूपीएस वाला लोड है वो आपका इसके ऊपर चलता रहेगा बैटरीज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आइडियल सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए तफसील लेकर आए हैं फ्रोनस कंपनी में पीवी 7000 मॉडल की सोलर इन्वर्टर्स की। तो आज की इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की जो वो अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और फ्रोनस कंपनी का इससे पहले भी एक मॉडल आता था, अब ये इन्होंने नया लॉन्च किया, देखेंगे इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, इस इन्वर्टर के अंदर जो पहले से इन्वर्टर आ रहे हैं उसके अंदर इसमें क्या जो है वो डिफरेंस है, क्या क्या फीचर जो है कंपनी ने ऐड किए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे पास इंजीनियर इम्तियाज साहब है, जो कि एक्सपर्ट सोल्यूशन के नाम से यूट्यूब चैनल को रन करते हैं और यूट्यूब के ऊपर आप सोलर इंडस्ट्री के बारे से इनकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप देखते रहते हैं। तो इनसे हम जानेंगे इस इन्वर्टर के बारे में, ये इन्वर्टर को जो है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारी इनकी जो है वो वीडियो मौजूद है। अभी हम इम्तियाज साहब से पूछते हैं इस इन्वर्टर के बारे में, जो कि फ्रोनस कंपनी ने नया लॉन्च किया है। इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम करते हैं और आप बताएं इस इन्वर्टर के बारे में और इस इन्वर्टर में जो इससे पहले कंपनी ने लॉन्च किया था क्या क्या फीचर्स का इजाफा किया गया है और इसकी जितनी भी टेक्निकल डिटेल है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि हमको आइडिया हो सके कि कंपनी ने जो नया इन्वर्टर लॉन्च किया है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं और बाकी जो डिटेल है वो आप इम्तियाज साहब तक। वालेकुम अस्सलाम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि एक जॉइंट सेशन जो है इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि हम रखें, जिसमें आप लोगों को जो अपना हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों की फीडबैक के हवाले से भी तमाम तर सोलर इन्वर्टर्स का जो है ना हम वन बाई वन करके इंशाल्लाह एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें तमाम तर सोलर इन्वर्टर्स की डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगी। तो आज जो सोलर इन्वर्टर आप लोगों के सामने है, दिस इज़ 7200 प्लाटिनम सीरीज़ है, ये फ्रोनस की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे है मार्केट में इस वक्त जो है। इसकी अनबॉक्सिंग एक शॉर्ट सी जो है अनबॉक्सिंग, जिसमें आप लोगों को दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो एक आप लोगों को इसमें वारंटी कार्ड मिलता है, वारंटी कार्ड में जो है इसके तमाम तर जो सर्विस सेंटर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम प्रोविंसेस में, जिसमें के पंजाब है, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान, उसके ऊपर तमाम तर मेंशन है विद उनके कॉन्टैक्ट डिटेल है उनकी लोकेशन के साथ। उसके अलावा आप लोगों को इसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसके ऊपर इस इन्वर्टर की तमाम तर डिटेल जो है वो मेंशन है। अभी इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्ड क्वालिटी के हवाले से जो है हम जान लेते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो कैसी है। बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटली जो है इसका डिज़ाइन चेंज किया गया है एज़ कम्पेयर टू जो इन्फीनियन आ रहा था, जो कि लास्ट ईयर था 2022 में फ्रोनस पीवी 7000 का। उसके हवाले से इसका डिज़ाइन टोटली चेंज है। इसमें फ्रंट साइड पे जो है ना आप लोगों को 3 से 4 आप लोगों को लाइट्स मिलती हैं, जो कि आरजीबी लाइट्स जिसको हम कहते हैं, जो कि अलग ऑपरेशन मोड के साथ है, जो कि व्यूअर्स आप लोग देख रहे होंगे। यानी कि इसके अंदर जितने भी ये इसके अंदर डिस्प्ले के ऊपर जो आरजीबी लाइट्स हैं, वो हर लाइट का डिफरेंस जो है उसका होगा कि वो किस मकसद के लिए है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अगर कोई एक ब्लू लाइट जल्दी आपको पता चलेगा कि इसका क्या जो है ना वो बैकग्राउंड पे इन्वर्टर के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इन्वर्टर सोलर से बिजली बना रहा है या वो बैटरी चार्ज कर रहा है, उसका आपको आइडिया होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अदार भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें 3 से 4 ऑपरेशन मोड्स हैं इसके, जिसमें जिसको हम एक ग्रिड मोड कहते हैं, जिसको हम एक यूटिलिटी मोड भी कहते हैं, उसके अलावा इसका जो बैकअप मोड होता है इसका, और थर्ड मोड जो होता है इसका वो होता है पीवी मोड, जिसको हम सोलर से जनरेशन हम कहते हैं। तो जो आप लोगों के अप्लाइंसेस चल रही हैं अगर, तो वो ग्रिड में चल रही हैं तो वो पीवी मोड की लाइट आरजीबी लाइट उसमें जो है वो ऑन होगी, अगर तो उसमें जो है वो वापटा पे के अलावा उसमें बैकअप मोड पे है, मतलब बैटरी से अगर आप उसको चला रहे हैं एज ए यूपीएस उसको चला रहे हैं तो और लाइट होगी, सोलर से जनरेशन अगर पीवी मोड में है तो और लाइट जो है वो फ्रंट साइड पे ग्लो करती हुई आपको मिलती है। तो आरजीबी लाइट्स जो है इसमें ऐड की गई हैं। बाकी फ्रंट साइड पे फ्रोनस का लोगो मिलता है, प्लाटिनम है, एंड साइड पे आप लोग देख रहे होंगे व्यूवर्स 7200। अब लेफ्ट और राइट में जो है ना इसके थोड़ी सी वही ऐसा सेम है जिस तरह दूसरे इन्वर्टर्स में आ रहे हैं, कि इसमें आप लोगों को जो है एक तो एंटी डस्ट किट मिलती है, दूसरे साइड पे भी आप लोगों को जो है एंटी डस्ट किट मिलती है। सबसे पहले मुझे ये बताया है कि इस इन्वर्टर के अंदर और जो पहले इन्वर्टर आया था, फीचर्स वाइज इसके अंदर क्या ऐड किया गया कंपनी की तरफ से, जो कि हमारे जो अगर यूज़र है इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो वो आइडिया हो जाएगा कि जी पहला जो इन्वर्टर था वो ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता था, इसके अंदर उन स्पेसिफिक के साथ ये चीज़ें जो है वो ऐड कर दी गई। अच्छा अतन भाई, जो स्पेसिफिकेशंस के हवाले से है ना, स्पेसिफिकेशंस तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है,
कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं की गई, सिर्फ एक से दो चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई हैं इसमें स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। जैसे कि वो अगर सोलर इन्वर्टर पीवी 7000 था, दिस इज 7200, मतलब 200 वाट्स की सोलर कैपेसिटी जो है इसमें आप लोगों को ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा जो है जो ये भी प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 है। इसके अलावा इसमें जो है ग्रिड मोड आप लोगों को मिलता है, मतलब नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी मिलता है। ये भी हाइब्रिड है, विदाउट बैटरी वर्क करता है। एक चीज़ जो इसमें जो चेंज की गई है, जो कि पहले जो मॉडल आ रहा था उसमें नहीं थी, वो ये है कि इसमें ड्यूल आउटपुट लोड का ऑप्शन इसमें दिया गया है। यानी कि ये इन्वर्टर डबल आउटपुट का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको महंगे इन्वर्टर में देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें कि ड्यूल आउटपुट का जो फंक्शन होता है वो इन्वर्टर्स के अंदर किस तरह काम करता है और वो कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है यूज़र को उस फंक्शन होने का। अदनान भाई, जो ड्यूल आउटपुट का है ना, ड्यूल आउटपुट में मैं थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर देता हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं, एक मेन लोड और दूसरे को कहा गया है सेकंड लोड। सेकंड लोड मेन लोड मेन के जो हैवी लोड है, और सेकंड लोड जो इसका स्मार्ट नोड है, जिसको हम यूपीएस वाला लोड भी कह सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब यूपीएस का और मेन लोड में क्या है, और इसी को भी थोड़ा सा कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू लोड। मतलब अगर 6000 वाट का मैक्सिमम आउटपुट लोड है, तो इसमें तकरीबन कोई 4000 वाट्स तक का जो लोड है वो उसको मेन लोड पे शिफ्ट किया गया है, और बाकी जो है दूसरा जो इसका स्मार्ट लोड है उसमें तकरीबन कोई 2000 वाट तक का जो लोड है उसको स्मार्ट लोड, जिसमें आपको पता होगा जैसे कि पंखे हो गए, लाइट्स हो गई आपकी, वॉशिंग मशीन या इस तरह की अप्लाइंसेस आप चलाना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है वो सेकंड लोड को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि जो लोड आपका यूपीएस मोड के ऊपर चलता था, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास पहले यूपीएस होते थे, आपने उसके ऊपर अपने पंखे, लाइट, सीसीटीवी कैमरे का सेटअप या एलईडी टीवी वगैरह वो चला रहे होते थे, तो इस इन्वर्टर के अंदर भी आपको वो फंक्शन देखने को मिल जाता है कि आपका जो यूपीएस वाला लोड है वो आपकी जो यूपीएस की वायरिंग हुई है वो सिंपली आप वायर इसके जो यूपीएस वाले जो फंक्शन है वहाँ पर उसको आप बता सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मल से इन्वर्टर होते हैं जिसके अंदर ये दो फीचर्स आपको नहीं देखने में मिलते हैं ड्यूल आउटपुट के। जिस तरह 6200 वाट का इन्वर्टर है, तो रात को अगर आपका 6200 वाट का लोड इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, लाइट चली गई है, तो आपके पास बैटरी होगी, अचानक जब उसके ऊपर इतना हैवी लोड आएगा तो बैटरीज आपकी फ़ौरन जो है वो डेड हो जाएंगी, फ़ौरन आपकी जो है इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया कि इसके अंदर आपको ड्यूल आउटपुट का फंक्शन दे दिया गया, ताकि अगर आपका जो हैवी लोड है रात को अगर लाइट जाती है तो सिर्फ वही बंद होगा, बाकी जो यूपीएस वाला लोड है वो आपका इसके ऊपर चलता रहेगा बैटरीज के ऊपर। अगली चीज़ इन्वर्टर के बारे में लोगों का सवाल, तो ये होता है कि इस इन्वर्टर के साथ हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, और इसके अंदर जो MPPT कंट्रोलर है उसकी क्या क्या जाना, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन है कि वो सिंगल है, डबल है, या उसके अंदर जो उसकी एम्पीयर रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है, उसके बारे में जान लें इम्तियाज़ साहब। इसमें अदान भाई ये है कि इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो 7200 वाट्स की है। तो 7200 वाट क्या आप 7500 वाट्स तक के जो सोलर पैनल हैं वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ईजिली ऐड हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो बैटरी वोल्टेज वो कितने कंपनी रखे हैं, और कितनी बैटरी को ये सपोर्ट करता है, और आया कि ये बाकी हाइब्रिड मोटर की तरह विदाउट बैटरी चलने की सलाहित रखता है या नहीं। इसमें अदान भाई ऐसे हैं कि दिस इज़ 48 वोल्ट, और अगर आप पावर बैंक लगाना चाह रहे हैं तो इसको लिथियम भी सपोर्ट करता है, पोर्टेबल बैटरी भी इसके साथ आप लगा सकते हैं, लेड एसिड बैटरी जो एसिड वाली होती है वो भी इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन यह है कि ये विदाउट बैटरी भी वर्क करता है। विदाउट बैटरी भी अगर कोई इसको चलाना चाह रहा है तो विदाउट बैटरी भी इसको आप चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं और गाइड कर देता हूँ कि विदाउट बैटरी कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि विदाउट बैटरी मीन्स कि आप सिर्फ सोलर पैनल के कनेक्शंस जो है इसके साथ देंगे और अपने घर की अप्लाइंसेस चला लेंगे। इस तरह किसी भी सोलर इन्वर्टर में नहीं होता, आपको इसके साथ जो है सेकंड सोर्स जो है कोई देना पड़ेगा, वो सेकंड सोर्स जो है चाहे आप इसके साथ बैटरीज दे रहे हैं या फिर वापस दे रहे हैं। यानी कि जिस तरह बाकी हाइब्रिड इन्वर्टर की वर्किंग होती है कि वो सिंगल सोर्स पे आप उसको चला तो सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपका जो लोड होता है वो जो सोलर की जनरेशन से कम होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आजकल जो सूरतियाँ चल रही है लोगों का लोड ज़्यादा होता है, लोग छोटे इन्वर्टर लगा देते हैं, तो सोलर की जो जनरेशन थी वो भी फिक्स नहीं रहती, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आपको सेकंड सोर्स से वो लाजमी यूज़ करना पड़ता है, चाहे आप उसके साथ बैटरीज लगा दें, चाहे आप उसके साथ जो है वापदा है उसके साथ लाजमी होनी चाहिए। अगली चीज़ तो इस इन्वर्टर के बारे में जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम ये सिस्टम लगाते हैं तो आया कि हम नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, ये अप्रूव्ड है इसके अंदर ये फीचर है। इसमें बिल्कुल नेट मीटरिंग, इसमें जो आपका ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड, ये तीनों ऑपरेशंस जो है इसमें इनेबल हैं। आप इसमें फ्यूचर में अगर आप इसके साथ नेट मीटरिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि मैक्सिमम इसके साथ 7500 वाट तक के पैनल जो है वो लग जाते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर को ऑन करने के लिए सोलर से कम कितने पैनल लगने चाहिए और कितने वाट के कितने पैनल लगाए जा सकते हैं? इसमें दान भाई ऐसे है कि जिसको हम बोलते होते हैं कि हर इन्वर्टर की एक MPPT वोल्टेज रेंज होती है। एक MPPT वोल्टेज रेंज का मतलब ये होता है कि ये DC वोल्टेज जो है इसको कितने मिनिमम चाहिए होंगे कि ये इसका MPPT ऑन होगा और आपकी सोलर से जनरेशन स्टार्ट होगी, तो देन आप अपनी अप्लाइंसेस जो है
घर के चला सकते हैं। इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 120 VDC है, जो कि कम से कम है। और 120 VDC का मतलब ये है कि अगर आप 545 वॉट्स के 3 पैनल अगर आप इसके साथ लगाते हैं तो आप इजीली जो है अपने घर की अप्लाइसेस जो है, जिसमें 5-6 पंखे, लाइट्स, वॉशिंग में फ्रिज वगैरह जो है, वो इजीली चला सकते हैं। जिनका बजट अगर कम है तो वो 3 पैनल इसके साथ लगा के सोलर से जनरेशन बासानी ले सकते हैं। यानी कि कम से कम आप इसके साथ 3 पैनल लगाएंगे तब जाके इसका जो MPPT कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारे दोस्त जितने भी बड़े सिस्टम जो है वो लगाते हैं, तो सबसे पहले तो यही सवाल होता है कि हम ये पहली दफा इन्वर्टर लगा रहे हैं, क्या हम इसको एक पैनल पे ऑन कर सकते हैं, हमारे पास 2 पैनल्स के ऊपर चला सकते हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इस इन्वर्टर के साथ कम से कम आपको 3 सोलर पैनल जो है वो लगाने पड़ेंगे। अगली चीज़ जो इसके बॉक्स के ऊपर मैंने देखी है वो ये कि इसके साथ वाईफाई मॉड्यूल का भी सुनने का ऐड मिलता है या नहीं मिलता, वो ज़रा आप बता दें। वाईफाई का दान भाई इसमें ऐसे है कि कंपनी ने बॉक्स के ऊपर तो बिल्ट इन वाईफाई या वाईफाई को जो है ना उसके ऊपर प्रिंटेड आप लोगों को मिलता है, लेकिन ये एक कन्फ्यूजन है। मैंने भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें एट दी एंड जो है मैंने ये चीज़ गाइड कर दी थी कि वाईफाई जो है इसके साथ सपोर्टेड तो है लेकिन एज ए ऑप्शनल है, वाईफाई आप लोगों को जो है वो अलग से परचेज करना पड़ेगा इसके। यानी कि अगर वाईफाई के साथ आप इसके फीचर्स को आप यूज़ करना चाहते हैं तो वाईफाई डिवाइस सेपरेट परचेज करना पड़ेगा, सेपरेट परचेज कर। और वो मेरे ख्याल में हर इन्वर्टर के साथ लग सकती है, यूनिवर्सल होती हैं जी। और ऐसे जितने भी इन्वर्टर्स हैं फ्रोनर्स के, कोई भी कंपनी के इन्वर्टर्स के साथ लगा के अगर आपके घर में वाईफाई है उसके साथ पेयर करेंगे तो मोबाइल के अंदर आप उसके सारे जो पैरामीटर्स देख सकते हैं और सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वारंटी के बारे में बताया है हमारे व्यूवर्स को कि इसकी वारंटी जो है वो पहले कितनी थी, जो पहले मॉडल था, अब जो कंपनी ने लॉन्च किया है इसमें वारंटी के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आई है क्या, इसके वारंटी के जो वो पैरामीटर्स हैं। और दान भाई वारंटी में भी चेंज किया गया है और कंपनी को इस चीज़ का इनिशिएटिव जाना चाहिए। एक्चुअली हमारे ये जो मार्केट में है ना, ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि वारंटी को जो है ना सही तरीके से लोग समझते नहीं हैं। अब वारंटी में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक होती है प्रोडक्ट वारंटी और एक होती है सर्विस फ्री वारंटी। जो मेरा ओपिनियन है, मैं सर्विस फ्री वारंटी को मैं नहीं एक्सेप्ट करता कम से कम, ठीक है, कि सर्विस फ्री वारंटी जो है ना वो एक चीज़ होती है कि जिसमें एंड यूजर परचेजर को जो है उस चीज़ के चार्ज किए जा रहे होते हैं कोई भी पार्ट इनकेस को डैमेज होता है। तो इसकी जो प्रोडक्ट वारंटी है जिसको फ्री पार्ट्स वारंटी आप कहते हैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। इसमें कंपनी ने फुल फ्लैज 2 साल की जो इसमें वारंटी है उसको फुल फ्लैज कर दिया है कि 2 साल इसकी फ्री पार्ट्स वारंटी है, 2 साल में कोई भी पार्ट डैमेज होगा तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चेंज करवा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ सुनने को मिली है कि इस इन्वर्टर की 2 साल की आपको मुकम्मल पार्ट्स की वारंटी देखने को मिलती है, अदरवाइज़ बाकी जो कंपनी होती है कि वो सर्विस वारंटी लाइफ टाइम कर देती है। लेकिन जहाँ तक इम्तियाज़ भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो सर्विस वारंटी होती है ना उसके अंदर वो सर्विस चार्जेस भी चार्ज कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और उसमें देखें ना कि उसमें जो एंड यूजर परचेजर है अगर वो उससे उस चीज़ के चार्ज किए जा रहे हैं तो फिर वारंटी का तो सर्विस होनी मिल चाहिए। पर कंपनी का ये कहना होता है कि हम सिर्फ पार्ट्स के पैसे चार्ज कर रहे हैं, जो पार्ट्स को लगाने की मजदूरी वो हम चार्ज नहीं कर रहे। हालांकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है, हम सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कंप्लेंट वगैरह आती है उसको भी सॉल्व करते हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर एक पार्ट कंपनी का उसका पुर्जा है 5,000 रुपये का और उसको लगाने के अगर 2,000 रुपये मजदूरी, तो वो जो इन्वाइस बनाएंगे वो सिर्फ पुर्जे की इन्वाइस जो वो 7,000 बनाएंगे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही। मैं इसी वजह से जो है ना मैंने अर्लियर इसी चीज़ को ज़्यादा वो किया है कि प्रोडक्ट वारंटी ही वारंटी है। आप बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसके अंदर आपको एंड यूज़र को जो है वो वारंटी वही मिलती है जो उस 2 साल की 1 साल के अंदर आपको उसके पार्ट्स अगर एक दफ़ा ख़राब होते हैं 2 दफ़ा होते हैं तो कोई आपको चार्जेस उसके लिए पे करने पड़ते हैं। मजदूरी भी कंपनी की होती है, पार्ट्स भी कंपनी के होते हैं, आपने सिर्फ कंपनी के सर्विस सेंटर में उसको पहुँचाना होता है इन्वर्टर को और वहाँ से रिसीव करना होता है। अब आखिर में दोस्तों ज़रा बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, और इम्तियाज़ साहब के पास इसकी प्राइस के बारे से एक ऑफ़र भी है, वो भी आपको उन्हीं की ज़बानी सुनने पर देखने को मिलेगी। तो बताएं इम्तियाज़ साहब, इसकी प्राइस क्या चल रही है और आपके पास इसकी क्या ऑफ़र है? प्राइस की जहाँ तक बात है कि इस वक्त कंपनी के पास स्टॉक जो है ना वो एक लिमिटेड स्टॉक आता है और लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से जो है ना इसकी रिटेल प्राइस थोड़ी सी हाई है इस वक्त। इसकी जो वैसे इस वक्त जो मार्केट में रिटेल प्राइस चल रही है वो 170,000 से लेके अराउंड भी 175,000 तक जो है ना इस वक्त मार्केट में, 1,75,000 रुपये तक इस वक्त मार्केट में जो है वो रिटेन हो रही है इस वक्त। तो दोस्तों आज की वीडियो याद रखती है, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्वर्टर का रिव्यू और इन्वर्टर आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज करने में इंटरेस्टेड है या इसके साथ एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 0315-428-6666। इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप करके इस इन्वर्टर को आप होलसेल प्राइसेस के ऊपर भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट सर्विसेज को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेहमान अदनान शरीफ को दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।